क्या स्थिति अपने शहर में कोरोना वायरस को लेकर और किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई? स्थिति तो अभी सामान्य है हमारे, मतलब हमारे शहर में कोई केस नहीं है। उसके लिए हमने प्रचार प्रसार भी किया है रोकथाम के लिए, क्या अलर्ट लोगों को अलर्ट किया है कि जानकारी दी है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने आइसोलेशन वार्ड बना के रखे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सिम्स में, वहाँ भी डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स की देख, मतलब आइसोलेशन वार्ड में जो वेंटिलेशन है वेंटिलेटर भी है उनके देख रोकथाम के लिए हमने बना के रखा है ताकि उनको प्राथमिक सुविधा दे सकें। किसी तरह का कोई संदिग्ध केस अपने सामने आया है या अगर आता है फ्यूचर में तो किन कहाँ भेजेंगे जाँच के लिए? संदिग्ध केस तभी तो आया नहीं है, लेकिन आएगा तो हम उसका मतलब पैसा सॉप लेके बोरोफेरेंजल सॉप लेके उसको भेजना पड़ता है, पुनः भेजना पड़ता है एनआईवी सेंटर में। ये क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो है ऐसे लोग काफ़ी लोग माइग्रेंट होते हैं जो चाइना में खासकर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो क्या कोई आंकड़ा अपने पास है कि कितने लोग बिलासपुर के हैं जो चाइना में रहे हैं और वापस आने की संभावना है उनके? किसी प्रकार का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा ले सकते हैं बाद जानकारी, अभी तो हमारे पास नहीं है जानकारी मंगाई गई है। आइसोलेशन वार्ड आपने बनाया वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और किन कितने नंबर ऑफ मैन पावर वहाँ पर नियुक्त लगाए गए हैं, डॉक्टर कितने हैं, नर्स कितने? दो दो डॉक्टर्स हैं, दो डॉक्टर दो स्टाफ हैं वहाँ पे, वो 10 बेड के हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 4 बेड के सिम्स में हैं केयर करने के लिए।